अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नया ब्लॉग है करोला AE11 के रिगार्डिंग। माशाल्लाह से इंटीरियर हमारा फिट हो गया, सीट्स वगैरह साफ़ होके लग गई हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, सीट फ्रंट बैक की, डोर कार्ड्स, बस वो हैंडल वाली जो पीस हैं वो हम कलर कर लेंगे ताकि मैच हो जाए, बुरा ना लगे। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील कमज़ोर है पर फ़िलहाल उसका कवर है, वही लगा लेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अलावा नए दरवाज़ों में हमें ये फ़ायदा हुआ है, इसमें हमें स्पीकर मिल गए, पुराने दरवाज़ों में स्पीकर नहीं थे। डोर कार्ड ये देखें जी लग गया, साफ़ सुथरा हो गया। बैक सीट्स हमारी लग गई हैं, वैसे तो असूलन हमें चेंज करनी चाहिए थी पर ये कि बस अभी बजट के हिसाब से चल रहे तो ठीक है, साफ़ सुथरी हैं। बस ये कि अभी डिटेलिंग होगी भी इंशाल्लाह, बाद में देखते हैं, इसको पॉलिश हो जाए तो थोड़ी शाइन अपनी आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सीट बेल्ट्स वगैरह हमारी टाई अप हो गई हैं, साथ अच्छी लग रही हैं। बैक से आपको दिखाता हूँ, बैक पे हमारी जो टेल लाइट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ये देखें बैक की लुक, माशाल्लाह गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। पीछे से लाइट्स भी न्यू हैं मगर फिटिंग्स वगैरह देखें, एनडी वाली जो स्पेस होती है अक्सर ये क्लियर नहीं होती, ये प्रॉपर है। साइड वाला एज जो है वो ठीक है, टेल लाइट, ये गार्निश है, ये टेल लाइट हमारी एंड हो गई। पिलर वाला एंटीना है, ये हमने नया लेके लगाना होगा हमें, क्योंकि पुराने वाले की वो रबर ख़राब है और ये जगह बंद नहीं होगी तो पानी का मसला रहेगा, तो वो अभी मंगवाना है। उसके अलावा हमने इसके मड फ्लैप्स जो हैं, यानी कि मड पैड्स जो होते हैं इधर लगते हैं फिंडर के नीचे और बैक बम्पर के नीचे, जो मड फ्लैप्स हमारे नहीं हैं वो हमने मंगवाने, वो नए लेके लगा लेंगे, रीज़नेबल होते हैं, मेरे ख्याल 1500 के अंदर होते हैं नए, काबली तो महंगे होते हैं तो नए मंगवा के लगा लेंगे इंशाल्लाह। वो भी आएंगे तो फिर प्राइस भी आपको एक्यूरेट बता देंगे। और एक दो छोटी मोटी चीज़ें बाकी, अच्छे दरवाज़े हमने चेंज किए थे, तालों की सेटिंग करनी है, वो एक चाबी जो पुरानी चाबी है ताकि इग्निशन और डोर की और ट्रंक की सब एक जैसी हो, अभी हम ताले भिजवाने लगे हैं ताकि तालों की सेटिंग हो जाए और फिर हमारा सारा एक की से काम करेगा। मगर जो ड्राइवर वाला ताला है उसमें ज़रा इशू आ रहा है, देखते हैं चेंज ना करना पड़ जाए तो उसको भी हम देखेंगे। बाकी एक्सीलेटर की इसकी केबल ज़रा हार्ड है, अभी ऑयलिंग वगैरह करवा दी है, देखते हैं क्या बनता है, चल गई तो अच्छी बात है वरना बाद में रिप्लेसमेंट होगी। अभी गाड़ी ज़रा रनिंग कंडीशन की तरफ तो आ जाए, अलाइनमेंट्स रहती हैं वो, इसका एक रिम भी पंचर है, वो भी पंचर लगवाना है हमने, तो देखते हैं। ये साथ साथ छोटे मोटे काम मज़ीद आते हैं, आपको पता है फिटिंग्स की तरफ जब आते हैं तो। नेक्स्ट डे माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं गाड़ी की बैक विंड स्क्रीन लगा दी हमने, इसका क्रोम का सारा गोला भी लग गया है, स्टिकर वगैरह बाद में बंदा उतार ले, थोड़ी साफ सूफ हो जाएगी। अभी फ़ाइनल पॉलिश भी हमारी रहती है, वो बाद में करेंगे एंड पे बिल्कुल। इसके अलावा जो डोर के हैंडल्स थे जिनका कलर डिफरेंस आ रहा था वो हमने उतार दिए हैं, ये बटन के कवर वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, सेम कलर के होंगे। इसके अलावा बैक एंड की तरफ अभी हम आ गए, लाइट्स तो आप देख चुके थे, बम्पर वगैरह हमारा फिट हो गया हुआ, अंदर ट्रंक का अभी हम कर रहे हैं फिटिंग का, रबर्स वगैरह लगा देंगे, इसके वायरिंग थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है उसके हिसाब से देखते हैं, अगर प्रॉपर टाई अप हो जाए तो अच्छी बात है वरना बस अभी करनी है, एक दफ़ा चेक करवानी है उसामा भाई को कि क्योंकि कनेक्शंस फाइनल हो गए हैं तो फिर हम इसका कारपेट सारा फिट कर देंगे साफ़ करके इसको, तो वो हमारा फ़ाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये रही जी साइड लुक, फ्रंट का अभी आपको दिखाता हूँ, विंडस्क्रीन फ्रंट की रहती है हमारी, इसका यहाँ पे पूरा रबर का गोला होता है, वो अभी आमिर भाई उसको सेट कर रहे हैं, बेस जिस पे स्क्रीन आके बैठेगी, ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन लगा के छोड़ी भी है। उस साइड का तो बिल्कुल था ही नहीं बेस रबर, वो सारा गल गया हुआ था, ये आमिर भाई ने सारा नया रबर लगाया इस पर, ये देखें नीचे अभी सिलिकॉन लगा के छोड़ी हुई है ताकि वो प्रॉपर अपनी ग्रिप कर ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ्रंट की विंड स्क्रीन हमारी लग जाएगी, बम्पर की फोग लाइट्स के कवर हैं वो भी लग जाएंगे, तो पेंट होके लगने हैं, ये रे ब्लैक हैं तो पेंट करके वो भी हमारे लग जाएंगे। हैंडल्स ये पड़े हुए हैंडल्स भी खोल लिए, ये भी हो जाएंगे मैच सारा।
इसके अलावा जो है मज़ीद क्या रह गया, इंटीरियर की तरफ थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इंटीरियर फिट तो हो गया, पर वो ज़ाहिर है जिस तरह आप गाड़ी बाहर से उस तरह इंटीरियर का इतना मज़ा तो नहीं आएगा, पर ये कि कंप्लीट हो गया। ऐसा ऐसा बाकी चीज़ें भी होती रहेंगी, स्पीकर बोर्ड और अंदर से आपको नहीं दिखाया था मैंने, कारपेट वगैरह साफ़ हो गया, मैट इसके रबर वाले पड़े हुए हैं फ़िलहाल वही डाल देंगे ताकि गंदा ना हो। बाकी ये रही हमारी गाड़ी की साइड लुक, जो अपनी पंचर है उधर भी रिम लगा लेंगे ताकि लुक फ़िलहाल टेम्परेरी जो हमारे सारे काम है वो कम से कम कंप्लीट हो जाए। ये देखें इस साइड पे स्टपनी लगी हुई है तो इधर रिम लग जाएगा। अभी हम करवा रहे हैं इसकी ट्रंक साफ ताकि कारपेटिंग सारी चीज़ें लगा लें वापस। मोहसिन अभी कर रहे हैं इसको क्लियर, करते हैं तो फिर कारपेट लगाते हैं, कारपेट वो पीछे आ गए साफ़ किए हुए पड़े हुए। माशाल्लाह से हमारी इंडेक्स का है, आज सेकंड डे है और गाड़ी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, पीछे से चीज़ें कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। बैजेस होंगे इसके लगाने, वो नए ले लिए, पीछे GLI का लोगो तो नहीं मिला पर 1.6 इस साइड में टोयोटा, बीच में टोयोटा का लोगो वो हम लगा देंगे। बैक से कंप्लीट है, गाड़ी थोड़ी ऑड सी लग रही थी क्योंकि इस पर किट वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाई है, तो इसके मड फ्लैप्स नहीं थे, वो ब्रांड न्यू परचेज़ कर ली है, वो अभी होने पेंट और पेंट होने के बाद हम लगा देंगे उसको। ये उसामा भाई आ गए हमारे, ठीक ठाक है जी से हो गई करोला फाइनल। कौन सी करोला? ये वाली, ये करोला तो फाइनल हो गई। ठीक है तो बस यहाँ है, अभी आपको गाड़ी अंदर से थोड़ी सी दिखाते हैं जी। ये इसका ड्राइवर वाला जो डोर कार्ड है वो भी लग गया है, हैंडल आपको नज़र आ रहा है, पेंट करवा लिए, जो डिफरेंस आ रहा था पेंट का वो मैंने थोड़ा ग्रे करवा दिया मैश ताकि बुरा ना लगे, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था। यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड डैमेज था, इस पर हमने सीलर फिल की है, अब इसको हम जो है वो पेंट की थोड़ी सी भराई कर देंगे ताकि वो कलर थोड़ा सा डैशबोर्ड से मैच हो जाए। तो अभी नासिर भाई इस पर कर रहे हैं काम। गाड़ी स्टार्ट की थी आज तकरीबन एक घंटे, तकरीबन 40 मिनट गाड़ी हमारी स्टार्ट रही है, पानी वगैरह कंप्लीट किया, रेडिएटर आ गया था, रेडिएटर साफ़ करवा लिया था, इंटीरियर की बस अभी फ़ाइनल सफाई होनी है, ऑलमोस्ट सारे काम वाइंड अप होने लग गए। फ्रंट विंडस्क्रीन हमारी लग गई है, वो मिस हो गया, अभी आपको दिखाते हैं विंडस्क्रीन, बाहर चलते हैं। तो फ्रंट की हमारी माशाल्लाह से जी विंडस्क्रीन लगी है और मोल्डिंग आप चेक करें, ये वाली जो मोल्डिंग है ये थाईलैंड वाली क्वालिटी है, बैक पे जो लगी है वो चाइना वाली क्वालिटी है, जो ओरिजिनल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अराउंड कोई 38,000 का पेयर है। ये वाला मेरा ख्याल 5.5 का आया है और जो चाइना वाली है वो 3,000 का है मेरा ख्याल, अगर मुझे गलत ना हो रहा हो बताना, क्योंकि बिल ये चीज़ें काफ़ी दिन हो गए पहले परचेज़ की थी इसलिए एक्यूरेट याद नहीं रहा। तो यहाँ से भी देख लें विंडस्क्रीन हमारी पुरानी है वो ठीक थी, बस मोल्डिंग चेंज हो गई हैं और सारी क्रोम वाली जो आती है जेन्युइन जैसे GLI में सारा क्रोम वाला, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। गाड़ी पूरी डिटेलिंग होगी एक दफ़ा, अभी क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा सारी गाड़ी डस्ट से भरी हुई है तो साफ़ सफाई होनी है, अंदर से तो कंप्लीट है, डैशबोर्ड रहता है वो साफ़ होगा, बाहर से सारी साफ़ होनी है, ट्रंक मैं करवा चुका हूँ, इंजन बे को थोड़ा सा करवाएंगे वापस रिफ्रेश, ये सारी चीज़ें होती हैं तो फाइनल एक रिव्यू देंगे आपको इसके हवाले से इंशाल्लाह। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा जो इस पे हमने काम किया, इतना टाइम लगाया, पैसे भी लगे, आप लोग का भी इंतज़ार रहा कि कब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और क्या एंड रिजल्ट्स इसके निकलेंगे। करने पे इस पे देखें ऐड ऑन बहुत कुछ कर सकते हैं, फोग लाइट लगा लो, किट लगा लो, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बाद में टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी पर ना करते हुए मेरा ख्याल कन्फर्म मैं रिव्यू के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, पर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा जा रहा है अराउंड कोई 7 लाख रुपए हमारे इस पे लग गए, उसका सारा ब्रेकअप आपको इंशाल्लाह बताऊंगा तो वो उसको तब बेहतर जस्टिफाई भी कर पाएगा। का पावर पंप रहता है हमारा, पावर पंप हमने लगाना है स्टेयरिंग के लिए क्योंकि स्टेयरिंग रैक तो ब्रांड न्यू हो गया, अब वो ख़राब था और गाड़ी जब ओवरऑल होके आई थी तो कुछ चीज़ें
उतार दी थी जो ख़राब थी, तो अब पावर पंप रहता है तो अभी भी खर्चे हैं ऑनवर्ड्स। इसलिए जो भाई बोलते हैं कि ये कर लें, कोई ऐसे सजेशंस देते हैं, हमें भी पता है पर आपके सजेशन भी मैटर करते हैं, पर बात वही आ जाती है कि जेब में पैसे हों तो सब कुछ होता रहता है। थोड़ा सा अपर वॉश की है, प्रॉपर वॉश तो नहीं हुई भी इस वक्त, पर अभी मज़ीद हो जाएगी इंशाल्लाह। ऊपर से डस्ट वगैरह क्लियर की है, ज़रा पानी मारा है कपड़े के साथ इंजन का। अच्छा, मैं आपको रेडिएटर का जैसे बता रहा था, तो ये देखें जी, रेडिएटर इसका लग गया है और साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा होगा। सर्विस वगैरह जो मैं आपको बता रहा था हो गई है। इसके अलावा पुरानी बैटरी डेड है बिल्कुल, बैटरी भी इसमें नई डलेगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अब पावर पंप हमारा मिसिंग है, क्योंकि इसका जो पुराना पावर पंप था वो था ख़राब, तो पावर पंप हमको नया लगाना पड़ेगा। वो याद नहीं रहा था ख़राब है, वरना पहले ही मंगवाते और कर लेते पावर स्टेयरिंग वाला काम, क्योंकि रैक अभी ब्रांड न्यू डले है और इस रैक पे ये बेसिकली है हाइड्रोलिक वाला। क्योंकि जब आप EPS पे जाते हैं तो फिर आपको सिंपल वाला चाहिए होता है, अब अगर इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक के बग़ैर तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये है जी साइड लुक, माशाल्लाह अभी फ़ाइनल होती है। अंदर अभी मोहसिन काम कर रहे हैं, डैशबोर्ड की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर देखते हैं जी, मोहसिन भाई लगे हुए अंदर काम चल रहा है। इंटीरियर का डैशबोर्ड रह गया था, उसकी सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो जाएगी। बाकी फिर इसके अंदर इंटरनल वो लिस्टर पॉलिश वगैरह कर लेंगे ताकि थोड़ी शाइन आ जाए। डोर कार्ड्स बहुत ड्राई आउट हुए हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी।